हाई टाइड के वक्त समंदर का पानी ऊपर आता है। सो समंदर का पानी भी ऊपर आ रहा है और बहुत ज्यादा बारिश गिर रही है, तो सभी पानी मुंबई में ट्रैप हो गया था। रास्ते पर पानी भर गया था पूरा, और कुछ कुछ लोग तो दो दो दिन बाहर ट्रैप थे, जा ही नहीं पाए थे। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बारिश भी बहुत ज्यादा आई थी। और फिर जब आगे जाकर देखा तो ध्यान में आया ये सब होने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है सभी ड्रेनेजेस। इसमें बहुत ज्यादा लेवल पर गार्बेज था, और उस गार्बेज में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर था प्लास्टिक की बैग्स। उसने नाली चोक कर दी, नाले चोक कर दिए, ड्रेनेजेस चोक कर दिए, और पानी आगे नहीं जा पा रहा था। अब आपको पता है, जब बारिश होती है आप नाले देखो, नालों में जनरली वो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेशरम, उसके झाड़ रहते हैं। तो जब फ्लड आता है ना, सब ऐसा प्लास्टिक आकर बहकर उन झाड़ों को, उन पेड़ों पर लटक जाता है। फ्लड के बाद कभी नदी या नाले को देखना, सब ऐसा प्लास्टिक आकर लटक जाता है। सो वैसा ही तब हुआ था, और उसके कारण, चोक होने के कारण, बहुत बड़ी तकलीफ पूरी मुंबई पानी में गई थी। ठीक है, मीठी रिवर जो है उसमें एक्चुअली प्लास्टिक ही ज्यादा मिला। उसके बाद फिर ये मोमेंट शुरू हुई कि प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक वेस्ट इस प्रकार से कचरे में नहीं जाना चाहिए, और बाकी सब चीजें। ऐसा क्यों हुआ? तो क्या लोग सिर्फ प्लास्टिक ही बाहर फेंकते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ के लोग तो ये सभी चीजें बाहर फेंकते हैं, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिकम्पोज हो जाता है, इसका मिट्टी में कन्वर्जन हो जाता है। ये भाई साहब वैसे ही रहते हैं ना, इसका कुछ भी नहीं होता है, और दैट्स व्हाई प्लास्टिक इज डेंजरस। ठीक है, क्या ध्यान में आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, सो इसके कारण प्लास्टिक का यूज अपने को कम करना चाहिए। और इसके कारण अभी आप देख रहे हो सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार यूज कर दिया और फेंक दिया, ये डिकम्पोज तो नहीं होगा, जहां फेंका है वहां पर रहेगा, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। फिर भी हम जैसे समझदार लोग बाहर जाते वक्त बैग लेकर नहीं जाते, दूध लाने के लिए अपनी केटली लेकर नहीं जाते, और वहां से प्लास्टिक लेकर आते हैं। लाते हैं तो लाते हैं, हम लोग उसको एक बार यूज करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब अपने को पता है अपने आगे की सिस्टम कैसी है, वो प्लास्टिक के बैग को अगर थोड़ा सा दूध होगा तो अपना कचरे वाला लेकर कंटेनर के पास लेकर जाता है, वहां पर कुत्ते उस कंटेनर के अंदर जाते हैं। अब उसको दूध के दो चार बूंद भी मिल गए तो प्लास्टिक की बैग वो बाहर निकलता है, लेकर आता है, और फिर जहां तहां वो फैलने लगती है। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा, अब ऐसा प्लास्टिक कभी कुत्ते गाय ये सब खा लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा लेफ्ट ओवर फूड, ये गाय आएगी उसको मैं बाद में, जब वो आएगी तब मैंने फ्री होकर बाहर जाना, उनको देना, ये सब करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अपने को तो व्हाट्सएप पर बैठना है, टीवी देखना है, सीरियल्स देखनी है, दोपहर के 2 बजे की वो कौन सी आपकी दीदी एकता कपूर की सीरियल्स है, वो सब देखना है। फिर अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग में डालते हैं और फेंक देते हैं। अब ये बेचारे भूखे कुत्ते जानवर ये उनको खाते हैं। अब उनको तो प्लास्टिक की बैग ओपन करके ठीक से खाना नहीं आता है, तो फिर क्या करते, वो वैसे ही मुंह में पूरा डाल देते हैं, चबाते हैं तो थोड़ा सा बैग ओपन हो गई तो खाना भी मिलता है, प्लास्टिक भी पेट में जाता है। फिर 8-10 साल के बाद पेपर में न्यूज आती है, गाय के पेट से 5 किलो प्लास्टिक निकाला, बिकॉज उसका डिग्रेडेशन ही नहीं होने वाला है, वो वैसे ही रहेगा। हम सब, हमारा फेवरेट कुरकुरे लेज उसके रैपर्स, ये उसी कैटेगरी में आते हैं, वो वैसे ही रहता है। ठीक है, बिस्किट, अब हम सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, हमारा क्या हाइड एंड सीक फेवरेट है, बॉर्बोन फेवरेट है, वो बिस्किट लिया, रैपर फेंक दिया, कैडबरी खाई, रैपर फेंक दिया, अब ये जाएगा कहाँ पर? ये सालों तक वहां पर ही पड़ा रहेगा।
इन सब के कारण बड़ी दिक्कत होती है। और उससे भी एक स्टेप आगे की डेंजरस चीज कुछ लोग करते हैं, इस प्लास्टिक को जलाते हैं, अब उससे पोल्यूशन भी होता है। सो हम सब पढ़े लिखे लोग, हमने ये सब करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या बताइए? नो सर, पर अगर इसे रोकना होगा तो बड़ा मेहनत वाला काम है। क्यों सर, मेहनत वाला काम क्यों है? काम इसलिए मेहनत वाला है क्योंकि हर बार बाहर जाते वक्त आपको, अगर दूध लाने के लिए जा रहे हो, दही लाने के लिए जा रहे हो, तो हाथ में केतली लेकर जानी पड़ेगी। अब वो लोगों को अच्छा नहीं दिखता, रही ये केतली लेकर चला, आपकी इज्जत का सवाल आता है। बाहर जाओगे तो ध्यान में रखकर एक आधी कॉटन की बैग, घर में रही हुई बैग लेकर आपको जाना पड़ेगा। अब ये तो मेहनत का काम है, याद रखना पड़ेगा। अपन थोड़ी करते इतना समझदारी से काम। चॉकलेट, लेज, कुरकुरे, एक तो कम खाने चाहिए, खाए तो उसके रैपर संभाल कर रखकर ठीक जगह पर डस्टबिन में डालने चाहिए। अब हम तो ऐसे लोग हैं कि अपने घर का कचरा भी उस कचरे वाले के गाड़ी में डालने के लिए अपन शर्माते हैं। वो उसकी उसका ऑटो खड़ा करता है, फिर वो वहां से नीचे उतरेगा, फिर अपने यहाँ का कचरा वो गाड़ी में डालेगा। हम लोग तो वहां जाकर अपने घर का कचरे उसके गाड़ी में डालने के लिए हिचकिचाते हैं, जैसे उसको नाक ही नहीं है, सिर्फ अपने को ही नाक है, अपने को ही बदबू आने वाली है। हम सब सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब ये करते हैं। आपने देखना कभी कचरे वाला आता है तो रस्ते पर जाकर पूरा सीन देखना, बहुत अच्छा सीन नहीं रहता है। ठीक है, सो देखो ये सब पूरा चैप्टर आपके इसमें दो चीजों के लिए है। पार्ट वन, ये इस चैप्टर से आपको मार्क्स मिले ना मिले ये चीज जरूर समझ लो, नहीं तो यू विल एंड अप इन एक्सपेंसिवली एजुकेटेड पर्सन। मैं तो पर्सन भी नहीं कहूंगा, मैं इंडिविजुअल कहूंगा। विदाउट सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यही लोग हैं जो ज्यादा पैसे देकर ज्यादा अच्छे कॉलेज में, ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, और यही लीस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। देख लो आज, नहीं तो कहीं पर भी घूमो, यू विल रियलाइज ये सेट ऑफ पीपल है वो इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन मोर। जो काम 4 लाख की गाड़ी या 10 लाख की गाड़ी कर सकती है, उसके लिए वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा, और उसका माइलेज भी कम है, वो पोल्यूशन भी ज्यादा करने वाली है। यही लोग बिना एसी के बैठ नहीं सकते हैं, यही लोग समय बचाने के लिए फास्ट फूड खाएंगे और कचरा करेंगे और फेंक देंगे रास्ते पर। ठीक है, यही लोग है। और वो बेचारा गरीब, वो तो उसके बारे में छोड़ ही दो, उसके पास ज्यादा सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग कभी आपको, आप देखोगे ये कभी अकेले नहीं खाएंगे, खाएंगे ना तो बाजू वाले के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे। इसके पास इतना समय ही नहीं है कि बाजू वाला छोटा बच्चा ये चॉकलेट कैडबरी खा रहा होगा उसके तरफ देख रहा होगा, उसका पूरा ध्यान अपने फोन में रहेगा। सो ये बड़े डेंजरस लोग हैं, इनसे संभाल कर रहो, और अब खुद इस कैटेगरी में कभी मत जाना। ठीक है, सो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको पता है क्या? इट इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, इसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, किसको रिस्पॉन्ड करना है? हमें हमें उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को रिस्पॉन्ड करना है। आज हमें रिस्पॉन्ड करना है हमारे आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को, दैट मे बी फाइनेंशियल, दैट मे बी एनवायरमेंटल, दैट मे बी सोशल।
हम उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या? आज पूरा देश ये चाइना के साथ लड़ाई कर रहा है या उसके खिलाफ अगर कोई आंदोलन चालू है, तो एक चीज जो चाइनीज है और सस्ती है और एक चीज है इंडियन जो महंगी है, हमने कौन सी खरीदनी चाहिए? हमने इंडियन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमने इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आज ऐसी केस है कि जहां पर बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं, तो हमने किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए? प्लास्टिक में एक आधी चीज लाना बहुत आसान है, कुछ मेहनत नहीं है, बट हर बार दूध लाने के लिए अगर हम केटली लेकर जाते हैं तो वो मेहनत वाला काम है। या फिर उल्टा करो, दूध वाला अगर प्लास्टिक में देता है तो प्लास्टिक के कैरी बैग को जमा करके रखो और फिर उसे रियूज करो। पहला तो रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो उसे रियूज करो। कहाँ कहाँ आप उसे यूज कर सकते हो, हमें उसे रियूज करना पड़ेगा, फिर रिसाइकल करना पड़ेगा, एंड देन कुछ चीजें अगर खत्म हुई है तो उनको रिकवर करना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं क्या मेरी हैबिट्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली? या सुबह उठकर मेकअप के नाम से मैं सिर्फ केमिकल्स ही केमिकल मेरे बॉडी को लगाता हूं और उसमें से कुछ केमिकल हमारे ड्रेनेज में चले जाते हैं? हमें सोचना पड़ेगा हम कितने केमिकल्स यूज करेंगे, हम कितनी चीजें यूज करेंगे, इसके बारे में हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत डिफिकल्ट काम है हाँ, उसके कंपैरेटिवली पढ़ाई बहुत आसान चीज है, ये चीज बड़ी मुश्किल है। हर बार एवरी डे पीपल विल सफर, ठीक है, जो ये सब चीजें करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो हर मोमेंट पर सफर करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, ये आसान रास्ता नहीं है। आसान रास्ता है प्लास्टिक लाओ फेंक दो, आइसक्रीम लाया आइसक्रीम का पॉट फेंक दिया, उसे बचा कर रखो फिर से यूज करो, अरे बहुत बड़ा मुश्किल का काम है ये। हमारे घर में मिठाई आई रघुवीर से, मिठाई खाई कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, क्यों? वो फिर से बाद में यूज हो सकता है। जब आप बाहर ट्रेवल के लिए जाओगे, यू कैन यूज द सेम डब्बा फॉर Having parathas inside it, you have to carry parathas. पर इतने दिन वो कौन संभाल कर रखेगा? और फिर हमारी हाइजीन बाहर आ जाती है, whether it will be hygienic or not. वो फेंकने से लोगों के बारे में हम नहीं सोचते। देखो ये बड़ा डिफिकल्ट रास्ता है, और अगर आप पढ़ रहे हो, सही में आप एजुकेशन ले रहे हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू ओन दिस रास्ता, यू शुड लीड ऑन दिस रास्ता। आप बाकी के लोगों को लीड करने लायक बनो, इसलिए ये चैप्टर आपके इसमें है। बाकी कारपेट एक्रिलिक से बना या नायलॉन से बना बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आपने एक कैरी बैग का यूज कम कर दिया तो बहुत फर्क पड़ेगा। आपने हैबिट लगा दी कि मेरे हाथ से कभी भी कचरा डस्टबिन के बाहर नहीं जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है? बिलीव मी, देयर आर लॉट ऑफ हाउसेस कि जहां से कचरा ही बाहर नहीं निकलता है, लेफ्ट ओवर फूड है, उन्होंने घर में कंपोस्ट करना शुरू कर दिया, प्लास्टिक बिस्टिक है, एक तो लाते नहीं है, लाया तो वो उसे रियूज करने की कोशिश करते हैं, इवन सर्फ एक्सेल की बैग वो भी वो लोग फिर से रियूज करते हैं पौधे लगाने के लिए, ठीक है, बट ऐसे गिने चुने लोग हैं, पर है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी ध्यान में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरी की पूरी आई?
शायद से ऐसा हो सकता है सर, आपने जो चीजें बताई वो शायद से सर एक इसमें से तो एक भी चीज हमारे घर पर नहीं होती है, तो शायद से आपको इनिशिएटिव लेकर करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा, शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर वी विल एंड अप इनसाइड दिस एक्सपेंसिवली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स विदाउट सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकेला आदमी आगे जा रहा है, उसको दुनिया से कुछ पड़ी नहीं है, फिर वो जब सक्सेसफुल होता है तब वो रियलाइज करता है कि यार मेरे आजू बाजू में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं इसके सिवा। अच्छा ठीक है, सो ऐसा ये हमारा चैप्टर है। क्या हमने सब चीजें डिस्कस कर ली है क्या? यस सर। ओके, सो देखो जस्ट ये जो पार्ट हमने हाईलाइट करके रखा है ना, इस चैप्टर को, इस पार्ट को आप साल भर सोचो, अपने लाइफ में लाने की कोशिश करो। ठीक है, आपको रियलाइज होगा कि यस बहुत सारी चीजें हैं कि जो अपन अपने लेवल पर आराम से कर सकते हैं, सिर्फ किसी ने बोला नहीं करने के लिए या कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं। शुरुआत कर देंगे तो बस रास्ता आसान है, पर शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी की चीजें तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर। इसके बाद हम हमारा कौन सा चैप्टर बचा है, कंबशन एंड फ्लेम पहले ले या कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पहले ले? कंबशन एंड फ्लेम।